Never tell a lie story. चलो मैं नेल पेंट लगा लेती हूँ। नहीं नहीं, पहले मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद लगाती हूँ। ला 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 ला। अरे वाह, दीदी तो नहाने चली गई। अब मैं इसका नेल पेंट लूंगा और अपनी ड्राइंग पर कलर करूंगा। वाह, इस कलर से तो मेरी ड्राइंग बहुत सुंदर बनेगी। ला 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 ला। अरे मेरा नेल पेंट कहाँ गया? अभी तो मैंने यही रखा था। यहाँ भी नहीं है, कहाँ चला गया है? यहाँ भी नहीं है, मैंने तो यही रखा था। यहाँ भी नहीं, कहीं भी नहीं मिल रहा है। गया कहाँ मेरा नेल पेंट? अब मैं कहाँ ढूंढूं इसे? यहीं तो रखा था, कहाँ चला गया? अद्वै अद्वै अद्वै, ओह दीदी बुला रही है, अब मैं क्या करूं? चलो चलता हूँ। क्या हुआ दीदी? अद्वै, तुमने मेरा नेल पेंट लिया है? नहीं नहीं दीदी, मैं तो लिविंग रूम में अपना ड्राइंग का होमवर्क कर रहा था। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, तुम जाओ। चलो वॉशरूम होकर के आता हूँ। अच्छा देखती हूँ ये मुझसे क्या छुपा रहा है। ये बात है, अब तो मुझे इसे रियलाइज करवाना ही पड़ेगा कि इसने कितना गलत काम किया है। अब तो ये बहुत जरूरी हो गया है। चलो अब मैं इसकी ड्राइंग रख देती हूँ। ला 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 ला, मेरी ड्राइंग कहाँ चली गई है? ओह लगता है मैंने दीदी के साथ गलत किया, उनकी नेल पेंट ली, इसलिए भगवान मुझे पनिश कर रहे हैं। मैं उन्हें इसे वापस कर दूंगा। दीदी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ। आओ अद्वै। दीदी दीदी, मैंने आपका नेल पेंट लिया था तो ये आप वापस ले लो। मुझे पता था अद्वै, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम खुद ये रियलाइज करो कि तुमने गलत किया है और तुम खुद मुझे वापस करो। हाँ दीदी, मुझे ये रियलाइज हो गया है कि मैंने कितना गलत काम किया है, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। सॉरी दीदी। ठीक है अद्वै, अच्छी बात है कि तुम समझ गए। कभी भी बिना पूछे किसी से कोई चीज मत लेना, ठीक है? और झूठ मत बोलना, मैं अभी तुम्हें तुम्हारी ड्रॉइंग देती हूँ। थैंक यू दीदी। कोई बात नहीं, लेकिन अब कभी ऐसी गलती मत करना। सो फ्रेंड्स, द मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज कि हमें बिना परमिशन किसी की भी चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए और कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ ऐसी मोरल स्टोरी देखने के लिए बने रहिए। बाय बाय।